हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगा आपके कुछ तीन डिस्टिंक्ट वैरायटीज ऑफ मैट्रिसेस है जो जनरली आप लोग उतने दूर तक नहीं जाते तो आपको पता नहीं होता, और ये सिंपली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें पहला मैट्रिक्स मैं बात कर रहा हूँ, आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर ए एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो इफ ए स्क्वेयर इक्वल टू ए आ जाता है, ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे वापस से आपको ए मिल गया, तब तो आप बोलेंगे कि ए जो है वो आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, देन ए इज आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्या बोल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, देन ए इज आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है साहब, अब दूसरा आते हैं हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसकी बात भी कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ ए स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, यहाँ ए स्क्वेयर इक्वल टू ए और यहाँ ए स्क्वेयर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तब हम ए को बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और तीसरा मैट्रिक्स भी है, नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए की पावर एम इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स आ जाए, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर एम, अगर ए को हम टू टाइम्स मल्टीप्लाइड कर रहे और एक नल मैट्रिक्स मिल गया, तब तो ए जो है वो नील पोटेंट मैट्रिक्स है, या ए को हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाइड कर रहे और फिर हमको नल मैट्रिक्स मिल गया, तब तो हम ए को बोलेंगे कि ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है। और एम क्या है, वेयर एम इज इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या है कि देखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स को तो आपको वो नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंदी क्वेश्चन हो सकता है। बस आपको डेफिनेशन ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होगा ना, ऑप्शंस में आपको ये तीनों मैट्रिक्स दी रही है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिंपली मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है लेकिन ये डेफिनेशन याद नहीं है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वेयर वापस से ए आ जाना चाहिए, और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वेयर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और नील पोटेंट मैट्रिक्स में हम एक ऐसा पॉजिटिव इंडेक्स एम देखते हैं कि ए की पावर एम करेंगे तो नल मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कब हमें एक नल मैट्रिक्स मिलता है। अगर नल मैट्रिक्स मिल जाता है, जैसे ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, ए क्यूब नल मैट्रिक्स है, तब तो हम उस मैट्रिक्स को नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे विद द इंडेक्स एम, मतलब टू टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में नल मैट्रिक्स मिल गया तो इंडेक्स उसका टू होगा, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में नल मैट्रिक्स मिल गया तो उसका इंडेक्स थ्री होगा। तो स्टूडेंट, सिंपली इसकी डेफिनेशन आपको मालूम हो जाए तो आप इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट ये सब बातें आप लोगों को क्लियर होगी। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज लाइक दैट, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंट्रीज देखिए 100010 और ए और बी -1। ए और बी क्या है अभी नहीं मालूम, एक रियल नंबर होंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फाइंड इज अ आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स टू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए अगर आपने इसके पहले तक के अगर आपने इन मैट्रिक्स के बारे में नहीं मालूम, तो इसके बारे में तो जरूर मालूम होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में तो ए इंटू ए ट्रांसपोज लेते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तब तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करेंगे। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, सिर्फ टाइम जाएगा। टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता है एग्जामिनेशन में, जब भी आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, सिंपली यहाँ पे आपको इनकी डेफिनेशन अगर मालूम हो कि आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स, में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ए स्क्वेयर ए आना चाहिए, यहाँ पे ए स्क्वेयर आई होना चाहिए, यहाँ पे ए स्क्वेयर अब जीरो आना चाहिए क्योंकि इंडेक्स टू बोल दिया है, तो ए स्क्वेयर जीरो होना चाहिए। आइडेंटिटी अपना ऑर्थोगोनल में ए इंटू ए ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये तीनों चारों डेफिनेशन आपके दिमाग में अगर बैठा हुआ है तो आप इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सिंपली आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा देखिए 100010, बड़ा सिंपल सा आप मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, 100010 ए बी और -1। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को पकड़ लेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए का रोल यहाँ नहीं आएगा, वन इंटू वन फिर प्लस जीरो प्लस जीरो, ए जीरो में विलीन हो गया, तो ये सिंपली वन आ गया स्टूडेंट। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वन इंटू जीरो वन हो गया, जीरो इंटू फिर तो ये तो जीरो, तो यहाँ पे भी बी का कोई रोल नहीं आया। देखिए ए और बी से आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश किया, उनका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप वन को जीरो से मल्टीप्लाई करो फिर तो जीरो जीरो, तो ये सिंपली जीरो आ गया। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, जब आप इसको लेते हैं जीरो वन जीरो को, तो जीरो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया वन, इस जीरो में मल्टीप्लाई होगा जीरो, इस ए में मल्टीप्लाई होगा, फाइनली जीरो यहाँ डेफिनेटली वन आएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा। इस प्रकार से ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ए स्क्वेयर इक्वल टू आई आ गया, इसीलिए ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो क्या हो गया, सिंपली मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट, सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो इनकी डेफिनेशन अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ कन्फ्यूज करने की क्या कोशिश की है वो भी देख लीजिए, कि ए और बी एक अननोन रियल नंबर्स दे दिए और रियल नंबर है कि फंक्शन है, ये अभी कुछ भी नहीं बोला है, तो आप डेफिनेटली कन्फ्यूज होंगे कि आफ्टर ऑल क्या हो सकता है ये मैट्रिक्स। तो सिंपली आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, ज़्यादा दूर तक भी नहीं जाना है। आई होप दैट कि सिंपली ए इंटू ए में आपका काम हो जाएगा, कि ए इंटू ए अगर ए आ रहा है तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स होगा, और ए इंटू ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, और ए इंटू ए अगर नल मैट्रिक्स है तो वो नील पोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स टू होगा। आई होप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तब हम वहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी की बात करेंगे। ऑर्थोगोनलिटी के लिए तो एक मिनिमम क्राइटेरिया भी आप लगा सकते थे कि इसका डिटरमिनेंट पहले देख लेते प्लस वन है कि माइनस वन है, जो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर नहीं होता क्योंकि ए और बी वहाँ पे आ चुके हैं, करेक्ट है तो फाइन। तो स्टूडेंट आई होप दैट ये क्वेश्चंस भी अगर आपको आता है तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।